हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर वर्कशीट नंबर 30 एंड डेट इज 11 सितंबर 2020 एंड द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री कितने वर्ड से मिल रहा है? ट्राइगोनमेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रीन मीन्स यानी मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, एक्चुअली इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स और उन तीन वर्ड्स को कंबाइन करके ट्रिग्नोमेट्री बना है, जिसका मीनिंग है इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। कि जो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी साइड्स में और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, हम कैसे साइड्स के फॉर्म में, साइड्स के रेशो में उन एंगल्स को शो कर सकते हैं। तो अब है नेक्स्ट हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। जो मैं आपको अभी बता रही थी कि जो हमारे एक्यूट एंगल्स, क्योंकि राइट एंगल तो एक ही है 90 डिग्री का, उसके अलावा जो दो बचेंगे वो होंगे एक्यूट एंगल। उन दोनों एंगल्स को हम एक्सप्रेस करेंगे ट्राइंगल की थ्री साइड्स के रेशो के फॉर्म में। तो अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन कौन से होते हैं। तो हमारे सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। देर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, इन्हें बोलते सीकेंट, कोसीकेंट ही हैं हम। अब इन्हें याद करने के लिए एक मेथड है। हमारा मेथड क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है हमारा मेथड। कैसे? फर्स्ट जो रेशो है साइन थीटा, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और थर्ड है टेन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गए हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। और अब जब हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमें बाकी तीन मिल जाते हैं। यानी साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें मिलेगा कोसिकेंट, दैट इज एच अपॉन में पी। वो पी अपॉन एच था, ये हो गया एच अपॉन पी। कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा हमारा एच अपॉन बी, ये कोसिकेंट थीटा था। और लास्ट है हमारा कॉट थीटा, विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। और इन्हें हम वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा और वन अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब हमें देखना है कि ये परपेंडिकुलर बेस, ये हम किसी ट्राइंगल में कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, इन विच एंगल बी इज़ अ राइट एंगल, है ना? ये है हमारा एंगल बी जो 90 डिग्री का है। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ सी। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है, या हम ये भी कह सकते हैं साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेनस। तो ये हो गया हमारा एच। अब परपेंडिकुलर और बेस जो है बेटा, वो चेंज होते हैं हमारे एंगल के अकॉर्डिंग। यानी दो एक्यूट एंगल है हमारे पास, ए एंड सी, टू एक्यूट एंगल्स आर देयर। जब हम एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और बेस की बात करते हैं, देन साइड अपोजिट टू एंगल ए इज इट्स परपेंडिकुलर। एंड जिस साइड पर ये बना होता है, जो इसका बेस है, जिस पर ये बना हुआ है, दैट इज बेस। वो तो नाम से ही बता रहा है कि ट्राइंगल इस बेस पर, जो एंगल है ए, इस बेस पर बना हुआ है, दैट्स वाई इट्स बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस। और इसी तरह जब हम एंगल सी की बात करेंगे, यानी ये एंगल हमारा, तो इसके अपोजिट जो साइड है, यानी ए बी जो अभी बेस थी, वो सी एंगल के लिए बन जाएगी परपेंडिकुलर। और सी बना किस पे हुआ है? बी सी पर है, बी सी उसका बेस है। तो जो ए के लिए परपेंडिकुलर था, अब वो एंगल सी के लिए बन गया बेस।
तो ध्यान रहेगा आपने परपेंडिकुलर चूज़ कर लिया, परपेंडिकुलर अगर ढूंढ लिया तो दूसरी साइड अपने आप ही बेस हो जाएगी। और परपेंडिकुलर ढूंढना तो बहुत आसान है, जिस एंगल की बात करें उसके अपोजिट साइड जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब जैसे हमें साइन ए, हम यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ए फॉर्मूला है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए, ए के अपोजिट परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनस यानी ए सी। तो हमारा रेशो क्या बन जाएगा, हमारा रेशो बन गया बी सी अपॉन ए सी। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है ए बी, हाइपोटेनस है ए सी यानी ए बी अपॉन ए सी। टेंजेंट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पर हमारा बी सी और बेस है ए बी यानी बेस बी सी अपॉन ए बी। और फिर कॉट सीकेंट, कोसीकेंट तो आपको बताया ही है, रेसिप्रोकल लेते जाएंगे, कॉट यानी टेन का रेसिप्रोकल, सीकेंट यानी कॉस का रेसिप्रोकल और कोसीकेंट यानी साइन का रेसिप्रोकल। तो इस तरह से हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मिल जाएंगे। अब इन फॉर्मुलों को, इन रेशोज को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या है हमारा एग्जांपल, गिवन दैट टेन ए इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द एंगल ए। अब टेन ए दे दिया, टोटल 6 रेशोज हैं यानी 5 रेशोज जो हैं वो हमें अभी ढूंढने हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने फिगर बना ली, एक ये बनाया हमने एक ट्राइंगल अपना, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें हमारा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और रेशो दिया हमें टेन ए का 4/3 यानी एंगल हमारा ये है 4 एंगल ए, और टेन ए जो होता है वो हमारा टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी। तो अब हम यहाँ देखें तो टेन ए बराबर, टेन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी यानी 4/3। अब यहाँ पर हम बी सी को 4k और ए बी को 3k लेंगे, वेयर k इज ए पॉजिटिव नंबर। हम ये मान रहे हैं कि हो सकता है ये नंबर जो है हमारा वो 12/9 हो, जिसे सिंप्लीफाई करके हमें 4/3 मिला हो। तो किसी के नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें वो के पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बिकॉज इफ़ इट इज़ -2, अगर हम के -2 ले लें तो 4 × -2 इज़ -8। क्या लेंथ -8 सेंटीमीटर होती है, लेंथ डिस्टेंस ये माइनस में होते हैं, नहीं ना, तो इसलिए ये माइनस में नहीं होगा, हमारा पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम तो हम प्रूव करना भी सीख चुके हैं, है ना। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैल्यूज पुट की और हमारे पास आ गया ए सी इज इक्वल टू 5k। अब हमें ए सी मिल गया तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेनस है ए सी यानी बी सी अपॉन ए सी, के से के कैंसिल 4/5। कॉस ए, ए बी अपॉन ए सी, के से के कैंसिल 3/5। और फिर इनके रेसिप्रोकल ले लिए तो हमें कॉट सीकेंट कोसीकेंट मिल गए, है ना। तो इस ढंग से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या है, आगे हैं क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 1, गिवन इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, इफ 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। तो अब हमें यहाँ पर साइन ए और सीकेंट ए निकालना है व्हेन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो इसे भी सॉल्व करते हैं हम। अब ये है हमारा आंसर 1। पहले इसके लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल विच इज़ राइट एंगल एट बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, इट मीन्स cot A इज इक्वल टू 8, 15 चला गया डिवीज़न में। और हमें ये भी पता है cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब A यानी एंगल A, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर होगी साइड BC, बेस हो गया AB और AC तो हाइपोटेनस है ही, तो इट मीन्स
cot A is equal to 8 by 15 is equal to base. Base यानी AB and perpendicular यानी BC. तो हमारे पास AC नहीं है, तो AC हम ढूंढ लेते हैं. अब हम ले लेते हैं AB is equal to 8K, BC is equal to 15K, where K is positive number. तो K का positive होना ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था. और अब यूजिंग पाइथागोरस AC square is equal to AB square plus BC square. तो AC हो गया हमारा under root of AB square plus BC square. वैल्यू पुट कर देते हैं. AB हमारा कितना है? AB की वैल्यू है 8, यानी 8 square plus 15 square. That is 64 plus 225. यानी AC is equal to root 289, which is equal to 17K. K भी था ना इसके साथ में हमारा, यानी 8K, 15K, ये 64K square आ जाएगा, 25K, और ये K square, और इसमें से निकला K. तो ये हो गया हमारा 17K. अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है, क्या करना है हमें? हमें निकालनी है वैल्यू साइन ए की और सीकेंट ए की. तो साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर है हमारा 15K, हाइपोटेनस हमने निकाल लिया 17K, दैट इज 15 अपॉन 17. सिमिलरली सीकेंट ए यानी कॉस का अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन बेस. हाइपोटेनस है ए सी, बेस है हमारा ए बी, यानी 17K अपॉन 8K. K से K कैंसिल, जैसे यहाँ हुआ वैसे ही K से K यहाँ कैंसिल हुआ, और ये हो गया 17/8. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, इफ secant थीटा इज 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. यानी हमें एक दे दिया है और हमें बाकी सारे निकालने हैं. तो जैसे हमने एग्जांपल में किया था, सेम हम उसी मेथड से इसे भी सॉल्व करेंगे. तो अब है हमारा आंसर 2 या सॉल्यूशन 2. इसमें अगेन हम एक फिगर बना रहे हैं हमारा राइट एंगल डेट बी, ये ए, ये सी, ये हो गया 90 डिग्री, और हमें दिया हुआ है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12. ये हमें दिया हुआ है, सीकेंट थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस. अब यहाँ ए और सी कोई एंगल ऐसा स्पेसिफाई नहीं है, सिंगल थीटा है. तो हम एच हमारे पास है, बी हमारे पास है, पी हमें निकालना है. वी नो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इट मीन्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर means P is equal to H square minus B square. अब हम H को ले लेते हैं 13K, H हमारा है 13K and B is 12K. तो 13K whole square minus 12K whole square. तो P की value आ गई हमारे पास 169K square minus 144K square. It means कितना हो गया? 25K स्क्वायर. 25 का रूट हो गया 5 और K स्क्वायर में से आ गया K बाहर. तो P की वैल्यू मिल गई. अब जब हमारे पास P भी है, B भी है, H भी है, वैल्यूज़ निकालना शुरू कर देते हैं. साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 5K अपॉन 13K, 5/13. कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा 12K, हाइपोटेनस अगेन 13K, दैट इज 12/13. टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5K अपॉन 12K इज इक्वल टू 5/12. और एक बार जब हमें साइन कॉस टेन मिल गए, इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें बाकी रेशोज मिल जाएंगे. तो कोसेकेंट थीटा हमारा हो गया 13/5.
सीकेंट थीटा ऑलरेडी हमारे पास है ही क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है 13/12 और कॉट थीटा हो जाएगा 12/5। तो ये सारे के सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 देन शो दैट कॉस A प्लस साइन C इज इक्वल टू √7/2। यानी साइन A की वैल्यू दी हुई है और कॉस A प्लस साइन C जो है वो हमें प्रूव करना है कि वो √7/2 के इक्वल है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा आंसर 3। अगेन पहले एक फिगर बनाते हैं हम। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। हेयर साइन A इज इक्वल टू 3/4 इट इज़ गिवन। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव जो है हमारा वो है कॉस A प्लस साइन C इज इक्वल टू √7/2। ये हमें प्रूव करना है। अब साइन A हमें दिया हुआ है 3/4 यानी एंगल A, एंगल A के अपोजिट BC हो गया हमारा परपेंडिकुलर, AB हो गया बेस और AC है हमारा हाइपोटेनस। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी BC अपॉन AC। तो हम मान लेते हैं BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 4K वेयर K इज पॉजिटिव नंबर। K हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। अब AC और BC हमारे पास है लेकिन AB नहीं है और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, हमें ढूंढना है हमारा AB। तो AB इज इक्वल टू √AC² - BC² वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया 4K² ये -3K² इट मीन्स 16K² - 9K² दैट इज AB इज इक्वल टू √7K². √7 तो √7 रहा लेकिन K स्क्वायर में से K बाहर आ गया, हमारे पास आ गई वैल्यू √7K। अब हम वैल्यू निकालेंगे हमारे कॉस A की। कॉस A यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है AB, हाइपोटेनस है AC। तो √7, हाइपोटेनस की क्या वैल्यू है हमारी, वो है 4K, के से K कैंसिल यानी √7/4। सिमिलरली हमें चाहिए साइन C, अब एंगल चेंज हो गया A से C हो गया, तो साइन C यानी ये एंगल हमारा, इसके अपोजिट AB बन गया अब परपेंडिकुलर। तो AB और हाइपोटेनस सेम AC, AB की वैल्यू क्या है हमारी √7, हाइपोटेनस 4। नाउ कॉस A प्लस साइन C इज इक्वल टू √7/4 प्लस √7/4 दैट इज √7/4। 2 ones are 2, 2 twos are 4 एंड वी गेट √7/2। हैंस प्रूफ्ड, हमें यही निकालना था ना, कॉस A प्लस साइन C इज इक्वल टू √7/2, वो हमारा आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4। इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R, इफ PQ इज इक्वल टू 12 cm, PR इज इक्वल टू 13 cm एंड Q इज 90 डिग्री। यानी यहाँ पर हमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है PQR वेयर Q इज 90 डिग्री और PR दिया हुआ है 13 cm, PQ दिया हुआ है 12 cm। तो tan P माइनस cot R की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी हमारा सॉल्यूशन 4, आंसर 4, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट tan P माइनस cot R। अब tan P यानी एंगल दिस, इसके अपोजिट QR हो गया परपेंडिकुलर, तो QR परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है PQ। अब cot R एंगल चेंज हो गया यानी R के अपोजिट है ये, PQ परपेंडिकुलर है और QR बेस है और cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो माइनस बेस इज QR, परपेंडिकुलर इज PQ। अब ये आ गया हमारे पास QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ एंड इट इज़ इक्वल टू 0। यानी हमें वैल्यूज पुट करनी ही नहीं पड़ी, ये पहले ही इक्वेशन में ही 0 हो गया। तो tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें ध्यान देना है कि जैसे ही हमारा एंगल चेंज होगा वैसे ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।